नमस्कार विद्यार्थियों, मैं स्नेहा सिंघाटिया और MKH की कक्षा 10 की हिंदी की वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम गद्य भाग का अध्याय नंबर 15 करने जा रहे हैं, जिसके रचयिता है रामधारी सिंह है दिनकर और इनकी जो रचना है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम ये जो है पाठ है, इसको पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम रामधारी सिंह दिनकर जो है उनका लेखक परिचय जान लेते हैं, क्योंकि उस पर 4 नंबर का सीधा सीधा हमें पेपर में 2 प्रश्न जो है वो अथवा में मिलते हैं। एक कवि परिचय जो पद्य भाग से आता है और एक लेखक परिचय जो कि गद्य भाग से आता है। तो ये इनका जो लेखक परिचय पढ़ना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म जो है आपके सामने जो है बुक का पेज जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है। इनका जन्म जो है वो 1908 में और मृत्यु जो है वो 1974 में हुई। जीवन परिचय अगर हम जाने इनका तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के के प्रमुख कवियों में दिनकर का नाम अग्रगण्य है, यानी सबसे पहले इनका नाम जो है वो गिना जाता है। मैथिली शरण गुप्त के बाद दिनकर जो है वो राष्ट्र कवि के रूप में जाने गए हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गाँव के साधारण किसान परिवार में हुआ। तो आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका जीवन परिचय जान रहे हैं तो जन्म जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1908 में हुआ और बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव के एक नॉर्मल सी फैमिली में हुआ। उनकी बीए तक की शिक्षा जो है वो पटना विश्वविद्यालय में हुई और विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देने के बाद ये गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार का इन्होंने पद संभाला था। उनकी प्रमुख कृतियों में उर्वशी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और संस्कृति के 4 अध्याय को साहित्य अकादमी और कुरुक्षेत्र जो इन्होंने लिखा को विश्व में 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए कितनी महत्वपूर्ण है ये बातें। वे 1952 में भारतीय संसद के सदस्य भी रहे। भारत सरकार द्वारा उनको पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। अब इनकी कृतियाँ अगर हम देखें तो आपके सामने हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी और परशुराम की प्रतीक्षा, ये सब इनके जो हैं वो कृतियाँ हैं। अब ये जो पाठ है हमारा ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, बहुत ही सुंदर है मैंने बताया आपको, तो इसका जो है पाठ परिचय हम जान लेते हैं। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ जो है वो अर्धनारीश्वर पुस्तक जो थी इनकी उससे लिया गया है। प्रस्तुत निबंध में ये एक निबंध है। कवि रामधारी सिंह दिनकर ने मानव चरित्र की सबसे व्यावह बुराई ईर्ष्या के बारे में उल्लेख किया है। यहाँ पर हम ईर्ष्या के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे किसी व्यक्ति को ईर्ष्या हो जाती है और उसका फिर क्या नुकसान उसको होता है। कवि ने ईर्ष्यालु मनुष्य के चरित्र की कमजोरियों को उदाहरण के साथ बखूबी स्पष्ट किया है कि किस प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने पास उपलब्ध संसाधनों का आनंद न उठाकर दूसरों के पास उपलब्ध साधनों से कूद कर अपने जीवन मूल्यों का हास करता है। कवि दिनकर ने एक तरफ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय बताया है और दूसरी तरफ जो लोग ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं वे किस प्रकार ईर्ष्या की लत से बच सकते हैं इसके लिए भी उन्होंने रास्ता सुझाया है। और निश्चित ही यह निबंध स्वाभाविक मानवीय कमजोरियों को दृष्टिपात कराने में भाव और भाषा की दृष्टि से समर्थ है। तो बहुत ही रोचक, आपको अभी इसे थोड़ा सा रुचि आने शुरू हो गई होगी तो फटाफट से इसको स्टार्ट कर लेते हैं पढ़ना। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, क्या इस निबंध में लिखा हुआ है दिनकर जी ने, देखते हैं। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं। खाने पीने में अच्छे हैं मतलब उनके कोई खाने पीने में कमी नहीं है, अच्छे फैमिली से हैं, अच्छा खान पान है उनका, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पति भी अत्यंत मृदुभाषिणी है। मृदुभाषिणी का मतलब वो बहुत ही मीठी बोलने वाली है। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए, मगर वे सुखी नहीं है। अब सारा कुछ है उनके पास लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं है। उनके भीतर कौन सा दाह है, दाह का मतलब जलन, उनके अंदर जो ऐसी कौन सी जलन है इसे मैं भली भांति जानता हूँ, यानी मैं जानता हूँ उनके बीच में, उनके दिल के अंदर, उनके हृदय के अंदर कौन सी जलन बसी हुई है। दरअसल उनके बगल में जो बीमा एजेंट है उनके वैभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। देखिए ईर्ष्या आ रही है यहाँ पर कि उनके बगल में एक बीमा एजेंट का घर है और उसकी जो सुख समृद्धि वैभव जो है यानी धन संपदा जो है उसको देख करके जो वकील साहब है उनका कलेजा जो है वो जलता रहता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता, मतलब वकील साहब को ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे ना कोई कमी रख दी है। वह इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश
एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क मेरी भी होती, यानी जो उसकी शान शौकत, तड़क भड़क का मतलब है कि शान शौकत, जो शान शौकत और मोटर कार जो है वो उस एजेंट के पास है, उसकी जितनी मासिक आय है वो काश मेरी भी होती, उतनी मेरी भी आय होती। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों का आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है। देखिए, उसके पास सब कुछ तो है, नौकर है, एक पूरा परिवार है, खान पान की कोई कमी नहीं है, एक अच्छी मीठा बोलने वाली पत्नी है, और क्या चाहिए, लेकिन फिर भी अभी भी वो संतुष्ट नहीं है। वो उन चीज़ों का आनंद जो है वो नहीं उठा रहे हैं जो उनके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाते हैं जो दूसरों के पास है, जो उसके पास नहीं है और दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं, यानी उसके पास लोगों के साथ कंपैरिजन करके देखता है और जो चीज़ें कंपैरिजन में उनके पास नहीं है खुद के पास, वो चीज़ें उनके हृदय पर डंक मारने का काम करती है। यहाँ पर दंश जो शब्द है वो डंक को प्रदर्शित करता है कि वो उनके हृदय पर जिस भी चीज़ का, जिस भी पक्ष का उनका अभाव है, वो उनके हृदय पर डंक मारती हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, यानी जो डंक है उसकी दाह, यानी जो जलन है उसको भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या करे, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी ही पड़ती है, यानी ये जो पीड़ा है उसको झेलनी ही पड़ती है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना, उपवन होता है सुखी जीवन, उपवन वैसे बाग बगीचा होता है, लेकिन यहाँ पर उपवन जो है वो सुखी जीवन की ओर प्रतीत किया गया है कि इतना अच्छा संसार, इतना अच्छा सुखी जीवन उनको मिला है, उसको पाकर वो धन्यवाद तो नहीं करते हैं, उसका आनंद तो नहीं लेते हैं, बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, यानी उससे भी बड़ा जो है सुखी जीवन क्यों नहीं मिला। यह ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र और भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है, यानी जो सृष्टि का नॉर्मल जो कामकाज है उसको भूल करके वो ईर्ष्या के जो राह है वो अपना लेता है, और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है, यानी ईर्ष्या की ही बेटी है निंदा। निंदा का मतलब चुगली करना। ईर्ष्या की ही बेटी का नाम है निंदा। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है, यानी जहाँ ईर्ष्या हो गई अब उसकी बेटी निंदा जो है वो वहाँ पर ऑब्वियसली जन्म ले लेगी। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता, यानी दूसरे लोग जो है जनता जो है वो मित्रों अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान है उस पर मैं अन्यास ही बैठा दिया जाऊंगा, यानी वो सोचते हैं कि जो अच्छा व्यक्ति है, जिसके पास अच्छा घर परिवार, अच्छा संसार है, उनकी अपेक्षा ज़्यादा चीज़ें हैं, उनको वो और तरीके से तो नुकसान नहीं पहुँचाते, तो वो उनकी जो जनता के सामने जो उनकी इमेज है उसको निंदा चुगली करके नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि उनकी जो आज इमेज है वहाँ से वो गिर जाएंगे और ये जो स्थान है ये उनको मिल जाएगा। लेकिन मगर ऐसा न आज तक हुआ और न होगा, लेकिन ऐसा एक्चुअल में कभी होता नहीं है कि जो अच्छा व्यक्ति है वो गिर जाए और उसकी जगह पर जो व्यक्ति निंदक है उसको वापस जगह मिल जाए। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं बढ़ रहा हूँ, अब कैसे बढ़ रहे हैं, दूसरों को गिरा करके मैं बढ़ रहा हूँ, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है, यानी सद्गुणों का घटना होता है। अगर किसी इंसान के सद्गुण, उसके गुण घट जाते हैं तभी वो गिरता है, कोई दूसरा व्यक्ति अगर हमारी निंदा करेगा तो हम गिरेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए और गुणों का विकास करे, अपने चरित्र को साफ और स्वच्छ जैसे जैसे वो बनाता जाएगा उसकी उन्नति वैसे वैसे होती जाएगी। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। अब जलाती है किसको जलाती है, जिसके हृदय में उसका जन्म हो रहा है ईर्ष्या का, उसी को जलाती है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, और जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनाने वाला कोई मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का उन्हें मौका मिले।
और श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन जो है वो बजने लगता है। ग्रामोफोन होता है रिकॉर्डर, यानी जिसमें रिकॉर्ड की हुई बातें रहती है और उसको अपने जैसे ही बटन दबाया और वो रिकॉर्ड की हुई बातें फटाफट से सुनाना शुरू कर देता है। तो लोग भी भरे हुए आते हैं, यानी रिकॉर्डेड करे हुए आते हैं। जैसे ही उनको श्रोता मिल जाता है, ईर्ष्यालु जो है, कोई भी ईर्ष्यालु है वो भरा हुआ होता है, और जैसे ही उसको कोई श्रोता मिल जाता है वो श्रोताओं की वेट में लगे रहते हैं कि कैसे कहाँ मुझे कोई सुनाने वाला मिले। तो जैसे ही कोई सुनने वाला उसको मिलता है तो वो ग्रामोफोन जो है उनको उनका मतलब ग्रामोफोन की तरह वो बजने लगते हैं, और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। अगर जरा अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरम्भ किया, यानी ये जो निंदा चुगली करना शुरू किया है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि वे निंदा करने में संयम और शक्ति का अपव्यय नहीं करते। अगर ऐसा काम वो नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। चिंता को लोग चिता कहते हैं। अब अगला पैराग्राफ है, चिंता को लोग चिता कहते हैं, जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया उस बेचारी की तो जिंदगी ही खराब हो जाती है, किंतु ईर्ष्या शायद फिर चिंता से भी बदतर चीज़ है। चिंता करना, चिंता जो है वो चिता मानी जाती है, और ईर्ष्या जो है वो तो चिंता से भी बदतर है, क्योंकि यह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है, यानी जो गुण उसके अंदर जन्मजात आए हैं उनको भी वो प्रभावहीन कर देती है, खत्म कर देती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है, बनिस्पत, बनिस्पत का मतलब है तुलना। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है तुलना इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े, यानी अपने गुणों को प्रभावहीन करके, उनको मार करके, अपने जो गुण है उनको खत्म करके, उनको जो है कम करके जीना पड़े। चिंता दग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र है, यानी समाज की दया का सबसे बड़ा पात्र कौन है, जो व्यक्ति चिंता करता है। किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, यानी चारित्रिक दोष नहीं माना जा सकता इसको, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा बढ़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सुख उसे मध्यम सा दिखने लगता है। सामने चाहे कितनी भी चीज़ें रखी हो, उसको ये लगता है कि नहीं, कोई ना कोई चीज़ की कमी है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता, यानी वो जो एक्चुअल माहौल किसी भी चीज़ का होता है उसको वो इंजॉय नहीं कर पाता। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता, और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने के योग्य ही नहीं हो, यानी वो उसको हर चीज़ में गलतियां निकालने की आदत पड़ जाती है, उसको हर चीज़ जो है वो कोई ना कोई कमी उसमें दिखती है। आप कहेंगे कि निंदा के बाण अपने प्रतिद्वंदियों को बेद कर हंसने में एक आनंद है। अब आप कहेंगे कि नहीं भाई, निंदा करने वालों को तो निंदा करके अलग ही आनंद मिलता है, आप कह रहे हो कि आनंद की कमी हो जाती है, लेकिन यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का, और ये जो आनंद होता है ना, वो ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार भी है कि उसको निंदा करने में ही सबसे बड़ा आनंद आता है। लेकिन मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं राक्षस की हंसी होती है, यह आनंद दैत्यों का आनंद होता है, मतलब ये आनंद वास्तविक आनंद नहीं होता, ये दैत्यों का आनंद होता है, अच्छा आनंद नहीं होता है। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है, किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती हो वह रचनात्मक हो। यानी अगर आपको किसी अच्छे आदमी से, अगर किसी अच्छे आदमी से आप ईर्ष्या करना करते हो, तो वो ईर्ष्या आपको पॉजिटिव वे में करनी चाहिए। जैसे ईर्ष्या के दो तरीके होते हैं, एक तो आप समाज में किसी एक व्यक्ति से ईर्ष्या करो, या फिर अगर आप स्टूडेंट लाइफ में जाओ तो एक किसी आप अपने से होशियार से जो है ईर्ष्या करके ईर्ष्या का दूसरा वे निकालो कि उसके बराबर पढ़ाई करो, आप उससे भी ज़्यादा पढ़ाई करके उससे भी अच्छे बन जाओ। तो जो ईर्ष्या है वो रचनात्मक भी हो सकती है, अगर ऐसी ईर्ष्या हो तो फिर वो अच्छी भी होती है। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि यह लोग ही अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हों, यानी वो खुद से असंतुष्ट होकर के, और दूसरा जो उससे कहीं अधिक अच्छा है, किसी भी मायने में अच्छा हो सकता है वो, और मतलब वो उसके समकक्ष नहीं है अगर, तो वो उनसे ईर्ष्या करके जलने लगता है, ना कि उसके बराबर परिश्रम करके, मेहनत करके उसके बराबर करने में अपना दमखम लगाता है। आपने यहीं देखा होगा कि शरीफ लोग, अब जो शरीफ लोग हैं
अब सामने वाला अगर किसी से जल रहा है तो शरीफ लोग क्या सोचते हैं वो देखिए। आपने यहीं देखा होगा कि शरीफ लोग यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा और अमुक व्यक्ति इस कदर निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। यह सोचते हैं मैं तो जो है पाक साफ हूँ, मुझसे मुझ में किसी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं बल्कि अपने दुश्मनों की भी भलाई ही सोचा करता हूँ, फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मुझ में कौन सा वह ऐब है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप करा सकता हूँ। ये जो है एक अच्छा व्यक्ति सोच रहा है। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो है वो खुद जो है इस तजुर्बे से होकर गए हैं, तो उन्होंने कुछ बातें लिखी हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र कहा कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने सबसे ज़्यादा भलाई की है। आपने भी देखा होगा अपने आसपास कि आपकी सबसे ज़्यादा निंदा वही करता है जिसकी आपने सबसे ज़्यादा भलाई की हो। और नित्से जो है वो जब इस गली से होकर इस कूचे से होकर गुजरा, यानी जब उनके ऊपर ऐसा गुजरा तब उसने दोनों का एक ठाका लगाया और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती हैं, ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा करती हैं, हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं, ये मक्खियां हमें भूल नहीं सकती और चूंकि ये हमारे बारे में सोचा करती हैं इसलिए ये हमसे डरती हैं और हम पर शंका भी करती हैं। देखिए जो चुगले निंदा करने वाले हैं उनका कंपेरिजन यहाँ पर मक्खियों से किया गया है। ये मक्खियाँ हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए, ये ऐब को तो माफ़ कर देंगे, ये शायद ऐब जो उनको तो माफ़ भी कर दें क्योंकि ये सजा तो हमें अपने गुणों के लिए देती हैं, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ़ करने में भी शान है, जिस शान का स्वाद लेने के लिए ये मक्खियाँ तरस रही हैं। जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं कि इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। और जिनका दिल छोटा है और दृष्टि संकीर्ण है, संकीर्ण का मतलब छोटी मानसिकता जिनकी है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा करना ठीक बात है। और जब हम प्रीति यानी प्रेम से उदारता और भलमन सही साहत यानी भलाई का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना भी उपकार करें बदले में हमें अपकार यानी बुराई ही मिलेगी। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब न देकर चुप्पी साधे रहते हैं उसे भी वे अहंकार समझते हैं। अगर हम उनकी बातें सुन लें, अगर हम उनकी निंदा का कोई जवाब ना दें सामने से पलटकर, अक्सर जो समझदार लोग हैं वो जवाब नहीं देते तो वो समझते हैं कि भाई ये तो अहंकारी है, तो वो उसको हमारा अहंकार समझते हैं। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतर कर उनके छोटे बन के भागीदार बन जाए। अक्सर हमें जब किसी व्यक्ति के साथ लड़ाई हो जाती है तो हमें अक्सर ये बोलते हैं ना कि नहीं बेटा तुम तो समझदार हो, तुम इनके साथ जो है वो बातचीत मत करो या इस पर कोई भी आप लड़ाई मत करो, आप चुप रहो शांत रहो। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है, अब ये उपाय भी बताएंगे। तो नित्से कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर जो है एकांत की ओर भागो, जो कुछ भी अमर और महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार के सुयश से दूर रहकर किया जाता है, यानी जो भी महान है जो भी अमर है उसकी जो रचना है यानी उसका जो निर्माण है वो बाजार के सुयश से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले होते हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते, जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं बनकती वहाँ एकांत होता है और वो वहीं जा कर के रहते हैं। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय। अब ईर्ष्यालु लोग जो सामने से अगर हम ईर्ष्यालु जो लोग हैं उनका शिकार बन रहे हैं तो हमें उनसे कैसे बचना चाहिए, तो इसका उपाय हो गया। लेकिन अगर हम खुद ईर्ष्यालु हैं तो हम अपने आप को कैसे सुधारें, उसका उपाय आगे बताया हुआ है कि यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय, किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है इसका उपाय क्या है। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है, यानी अगर हम मानसिक अनुशासन बनाए रखते हैं तो हम ईर्ष्यालु बनने से बच सकते हैं। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है, यानी अगर हम
जैसे हमारे पास किसी चीज़ की कमी है, अगर हम कोई दो चीज़ों का हमारे किसी दोस्त का किसी दोस्त के साथ स्टडी में, मान लीजिए शिक्षा में हमारे से कोई होशियार है, तो हम उसके साथ कंपैरिजन करके ये देख लेते हैं कि नहीं, उसके तो पिता के पास बहुत धन दौलत है इसलिए शायद वो जो है काफ़ी होशियार है मेरे से, या उनके घर में तो भाई एसी लगा हुआ है, उनके घर में तो गाड़ी है, उनका जो बड़ा सा बंगला है उसके कारण जो है वो होशियार है। नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके कंपैरिजन करके बिल्कुल बैठ नहीं जाना चाहिए, अपने आप को जो है ईर्ष्यालु नहीं बना लेना चाहिए कि हम दो तीन लोगों को कहते फिरे कि भैया उसके पास तो सुविधाएं हैं इसके लिए ऐसा हो रहा है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, रचनात्मक तरीके से उसका उपाय सोचना चाहिए, हमें उससे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, उससे डबल पढ़ना चाहिए, उससे दुगुना पढ़ना चाहिए, तो हो सकता है हम होशियार हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है वो देखना चाहिए। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी, वो जानने का प्रयास करेगा कि कैसे मैं अपनी इस कमजोरी को रचनात्मक तरीके से दूर कर सकता हूँ बिना उसकी टांग खिंचाई के, तो उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। चलिए, तो यह निबंध आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए अब इसके प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि उर्वशी कृति को कौन सा पुरस्कार मिला, तो इसके कवि लेखक परिचय में ही है कि उर्वशी कृति को जो है वो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। अगला है, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, यह किस महापुरुष का कथन है, तो ये आपने अभी भी देखा कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर का कथन है, तो इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है अति लघुतरात्मक कि कवि या लेखक ने ईर्ष्या की बेटी का क्या नाम दिया है। हम आपने देखा था कि ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा, उन्होंने बताया था कि निंदा जो है वो ईर्ष्या की बेटी होती है, तो यहाँ आप लिखेंगे, आपके सामने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं कि लेखक ने ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा रखा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने क्या सूत्र दिया है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का सूत्र है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। अगला प्रश्न है, नीत्से ने ईर्ष्यालु लोगों के जलने का क्या कारण बताया है, उन्होंने क्या कारण बताया कि ईर्ष्यालु लोग आपसे क्यों जलेंगे, तो यह भी अभी हम पढ़ कर के आए हैं कि नीत्से ने बताया है कि किसी के महान गुणों के कारण ही ईर्ष्यालु लोग जो है वो उनसे जलते हैं। अगला प्रश्न है कि ईर्ष्या सबसे पहले किसको जलाती है। अब ईर्ष्या सबसे पहले उसी मनुष्य को जलाती है जिस मनुष्य के अंदर वो पैदा हुई है, जिस मनुष्य के अंदर वो, मतलब जो समय ईर्ष्यालु व्यक्ति है सबसे पहले ईर्ष्या उसे ही जलाती है। अगला प्रश्न है कि पाठ के अनुसार किसी मनुष्य की उन्नति कब संभव है, यानी कोई मनुष्य जो है वो उन्नति कब कर सकता है, तो पाठ के अनुसार मनुष्य किसी भी मनुष्य की उन्नति जो है वो तभी संभव है जब वह अपने अभावों को जाने और उसकी पूर्ति के लिए कुछ रचनात्मक तरीका निकाले। आगे लघुतरात्मक प्रश्न है कुछ, प्रश्न नंबर 8 है कि लेखक के पड़ोसी वकील के मन में कौन सा दाह है, दाह का मतलब कौन सी जलन है, तो आप लिखेंगे कि लेखक के पड़ोसी वकील खाते पीते भरे पूरे परिवार वाले हैं, नौकर है, दोस्त है, परंतु फिर भी वह सुखी नहीं है क्योंकि उनको अपने पड़ोसी बीमा एजेंट की मोटर गाड़ी, मासिक आमदनी और तड़क भड़क भरी जीवन शैली देखकर जलन होती है और वो सोचते हैं कि काश ये चीज़ें उनके पास भी होती। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 कि ईर्ष्यालु लोगों से बचने के लिए नीत्से ने क्या उपाय बताया है। तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने के लिए अभी अभी हम पढ़कर आए कि नीत्से ने कहा है कि ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय यह है कि विज्ञापन और प्रदर्शन से दूर एकांत में रहा जाए। उन्होंने बार बार बाजार वर्ड का यूज़ किया था, उसका यही मतलब है कि विज्ञापन और प्रदर्शन से दूर रहा जाए यानी एकांत में रहा जाए, और अमर और महान आदर्शों का निर्माण बाजार में रहकर कभी भी नहीं होता है। आदर्शों को जन्म देने वाले महापुरुष यश और प्रचार से दूर रहते हैं, यानी वो कभी भी अपने यश का प्रचार नहीं करते, उनका यश तो अपने आप जो है संसार में गाया जाता है, निंदकों से दूर रहकर ही उनसे बचा जा सकता है। अगला प्रश्न है, लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्ति के क्या लक्षण बताए हैं, यानी कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो ईर्ष्यालु है। ईर्ष्यालु मनुष्य दूसरों की अच्छाइयों और उपलब्धियों को देखकर जलते हैं, उनको अपने पास की चीज़ों में आनंद नहीं आता, उनके जो उनके पास है ना चीज़ें उनसे उनको कोई आनंद नहीं आएगा, वे ईर्ष्या की आग में स्वयं ही जलते हैं, और ईर्ष्यालु मनुष्य विष की चलती फिरती गठरी के समान होते हैं जो पूरे समाज को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। उसके बाद निबंधात्मक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 कि ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से, जो रचना है उसका मूल भाव अपने स्पष्टों में लिखिए, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। चलिए मैं थोड़ा सा बता दूं
कि ये जो है एक निबंध है जो रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया है, और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है अर्धनारीश्वर। इस पुस्तक में से है ये। इस निबंध में मानव चरित्र की जो भयानक बुराई है ईर्ष्या, उसके बारे में बताया गया है। लेखक ने ईर्ष्यालु मनुष्य के मनोविज्ञान का विचारपूर्ण विवेचन किया है। ईर्ष्यालु मनुष्य को अपने पास की चीज़ों के उपभोग में आनंद नहीं आता और वह दूसरों से प्राप्त वस्तुओं को देखता है और उनसे जलता रहता है और ये सोचता है कि ये वस्तुएं जो उसके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है। ईर्ष्यालु मनुष्य अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के गुणों के कारण उसके निंदा करता है और वह समझता है कि निंदा करने से वह गिर जाएगा और उसका जो स्थान है वो खुद को मिल जाएगा, किंतु ऐसा कभी भी होता नहीं है। उन्नति अपने सद्गुणों और चरित्र के विकास से ही होती है। अपनी कमियों को जानकर उसे दूर करने और समय को प्राप्त वस्तुओं में ही सुख पाने में ही ईर्ष्या की प्रवृत्ति से छुटकारा मिल सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 कि चिंता को लोग चिता कहते हैं के समर्थन में अपनी बात रखते हुए स्पष्ट कीजिए। तो दिनकर जी ने कहा है ये कि ईर्ष्या, दिनकर जी की जो ये निबंध है ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से, मैं ईर्ष्या और चिंता की तुलना की गई है कि चिंता बहुत ही भयानक है, चिंता को चिता कहा गया और ईर्ष्या तो उससे भी बदतर है, दोनों ही जो है वो जलाती हैं। और किंतु चिंता से मनुष्य और ईर्ष्या से समाज प्रभावित होता है, यानी चिंता से तो केवल एक मनुष्य प्रभावित होता है और जो ईर्ष्या है उससे पूरा का पूरा समाज प्रभावित होता है। चिंता को चिता कहते हैं, इस कथन का लाक्षणिक अर्थ यह है कि जिस प्रकार चिता में रखी वस्तु जल जाती है उसी प्रकार चिंता में पड़ा मनुष्य भी जल उठता है, यानी वो भी दुखी और पीड़ित होता है। चिंता एक ऐसा मनोभाव है जो आदमी का समस्त सुख चैन छीन लेता है। जब आदमी को किसी प्रकार की चिंता हो जाती है तो वो बेचैन हो उठता है और संसार की किसी भी चीज़ में अब उसको आनंद नहीं आता और उस चिंता से मुक्त हुए बिना वह आराम से सो भी नहीं पाता। अब आप यहाँ पर किसी भी अपने परिचित के बारे में कोई भी ऐसा कुछ लिख सकते हैं जो आपके मन में आ रहा हो कि आपने देखा हो किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति को या किसी ऐसे चिंतित व्यक्ति को जो कंपैरिजन के कारण, यानी जो ईर्ष्यालु हो और वो बहुत ही दुखी रहता हो, उसका मन आसपास की चीज़ों में कभी भी नहीं लगता हो, आपने कभी भी किसी को महसूस किया हो इस तरह की बात, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों होपफुली बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।